का साथी हुआ मेरा, इसके हिसाब से मेरा बहुत स्वास्थ्य के विभाग में बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ दी गई जो कि मैं समाज में कुछ सुचारू रूप से कर रहा हूँ, और आगे इस स्वास्थ्य विभाग से और सीख हमें मिले कि समाज में और तरह तरह के बीमारियों को समाधान कर सके। मेरा देवघर जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग की ओर से आप लोग सेवा का अभिनंदन है। मुझे भी सेवा करने का मौका मिला है, लगभग 2 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं दूर दूर से आए हुए साथियों, आज हम लोग नंदन पहाड़ में जुटे हुए और स्वास्थ्य संबंधित समस्या और खास करके जो विभिन्न दूर दराज इलाकों में प्रैक्टिस करते हैं उनका जो समस्या है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए। सबका समस्या जो है, दूर दराज में प्रैक्टिस करने वालों के बहुत सारी समस्या है जो कि हम लोग धीरे धीरे अवगत हो रहे हैं। सभी गणमान्य लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज दिनांक 11/1/2021 दिन सोमवार को जो हम लोग स्वास्थ्य विभाग के बारे में एक सम्मेलन करने का जो आयोजन किए हैं, हम उम्मीद लगाए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। इसके पहले जो हम लोग बैठक किए थे 21/12/2020 को जो हम लोग होटल में दिव्य सूची में जो हम लोग कार्यक्रम किए थे उसमें जो संख्या था आज भी वही संख्या है। कुछ लोग पुराने जो थे वो नहीं आए, कुछ लोग नया लोग आ गए, मिला जुला के हम लोग फिर बराबर में हैं। हम उस दिन भी बोले थे और आज भी उसको बोल रहे हैं कि अभी जैसे हमारे एक मित्र हैं मुस्तकीम जी बताए कि यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एकता में ही बल है। तो हम लोगों को जागरूक करेंगे, जो गांव के प्रैक्टिशनर लोग हैं उनको कैसे सम्मान मिले, कैसे उनको इज्जत मिले, और बगल बगल में जो लोग छूट गए हैं, जैसे मान लीजिए कि देवीपुर में अगर कटघरी से कोई आए हुए हैं तो झूमरबाद के जो प्रैक्टिशनर हैं उनको जोड़ना है, झूमरबाद वाले जो जुट गए तो लालोडी को जोड़ना है, लालोडी से जुड़ गए तो फिर वहाँ धरती चक और छोटा राजेसर को जोड़ना, ऐसे करके इंटरेस्ट लेना होगा और लोगों को जोड़ने का काम करना होगा। जब तक हम लोग का आकार बड़ा नहीं होगा तब तक हम लोग से कोई डरेगा नहीं। हम लोग 2-3 स्वास्थ्य विभाग के लोग आपस में मीटिंग करके हम लोग स्टार्ट किए थे, आज हम लोग का संख्या बढ़ा है। आज का बैठक में और संख्या बढ़ने का हम लोग का उम्मीद था। हम लोग राजकुमार जी से, हम लोग दिनेश जी सब चर्चा कर रहे थे और हम लोग टारगेट लिए थे कि 150 आदमी कम से कम हम लोग आएंगे। एक आदमी कम से कम 2 ठोकर लाएगा तो 150 आदमी होगा। तो इस बात को हम इसलिए रख रहे हैं आप लोग के बीच में कि इस पर आगे से ध्यान जरूर रखना है, तभी हम लोग कार्यक्रम को और विस्तार रूप से ले चलेंगे। इसके बाद का जो बैठक होगा वो हम लोग प्रखंड वाइज में बैठक करेंगे, कभी मोहनपुर प्रखंड में बैठक करेंगे, कभी सारवा प्रखंड में करेंगे, कभी सारट प्रखंड में करेंगे, मार्गोमुंडा देवीपुर कौरव चित्रा पालाजोड़ी साइड में करेंगे, मैंने इस तरह से हम लोग करें। हम लोग एक तो बीज बोने का काम अब कर दिए हैं, अब गाछ कितना बड़ा करना है, गाछ को कितना हरा भरा करना है, उसमें पानी देने का काम और खाद देने का काम सबको मिलजुल के करना होगा। ये 1, 2, 4 आदमी का काम नहीं है। 2-4 बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे बढ़िया बात कि झारखंड में जब कोरोना महामारी का आक्रमण हुआ, विदेश से होते हुए भारत और भारत से झारखंड में जब प्रवेश किया तो हम लोग का यहाँ कांग्रेस का महागठबंधन का सरकार बना और यहाँ कांग्रेस का कोटा में स्वास्थ्य मंत्री आ गया, और अभी श्री बन्ना गुप्ता जी हमारे कांग्रेस से स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अच्छा से चलाने के लिए उन्होंने झारखंड में एक चेयरमैन का गठन किए, जो डॉक्टर पी नैयर हमारे चेयरमैन हैं, और उनको निर्देश दिए स्वास्थ्य मंत्री
पूरा झारखंड में प्रत्येक जिला में एक अध्यक्ष आप बना करके छोड़ दीजिए। तो देवघर जिला में हम हमारा अध्यक्ष में चयन हुआ और हमको रांची से निर्देश मिला कि आप पहले जिला कमेटी का गठन करिए, जिला कमेटी के बाद में फिर प्रखंड कमेटी का गठन कीजिए और इसको एक बड़ा रूप दीजिए। तो हम लोग उसको स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे हम लोग को रिजल्ट मिल भी रहा है, लेकिन हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि पूरा इंटरेस्ट लेकर के आप लोग को आगे बढ़ना होगा और इसको एक बढ़िया रूप देना होगा। आज हम अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि कल आप ही लोग में से कोई अध्यक्ष बन जाइएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बराबर हम ही अध्यक्ष रहेंगे, फिर चुनाव होगा तो उसमें से जो एक्टिव आदमी रहेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, उसका चयन हो जाएगा, हमारा प्रदेश में हमको पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है? मतलब पोस्ट जो है वो बढ़ते रहता घटते रहता, अच्छा काम करेगा तो प्रमोशन होगा और अच्छा काम नहीं करेगा तो उसका डिमोशन होगा। टॉर्चर नहीं कर सकता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता है, कोई इलाज कराने के लिए बंद नहीं कर सकता है। ये हमारा अपना वक्तव्य है, हम आपको बता दिए, मेरा नंबर सब लोग नोट कर लीजिएगा। कहीं भी गांव में कोई प्रैक्टिशनर को कोई भी परेशान करता है तुरंत हमको रिंग कीजिएगा। जिला सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग के अभी सरकार में बन्ना गुप्ता मंत्री जी का आदेश है, चेयरमैन डॉक्टर पी नैयर का आदेश है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचे, कोई भी आदमी वंचित ना रहे, उसी सब का चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें देवघर जिले से सभी जगह से मतलब कोना कोना से सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देवीपुर प्रखंड, सारवा प्रखंड, पालाजोड़ी प्रखंड और मोहनपुर प्रखंड सब लोग आए हुए हैं। आज ये आनंदन पार पे जो कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की ओर से हो रहा है, सर क्या आप कहना चाहेंगे, किस विषय में आज किसको लेकर के यहाँ कार्यक्रम हो रही है? ये स्वास्थ्य को लेकर ये सब हो रहा है। क्या क्या कठिनाइयाँ आती है आप लोग जब स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक में जाते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं? कठिनाइयाँ होती है, सेवा ठीक से नहीं मिल पाता है, ग्रामीण डॉक्टर लोग जितने भी हैं सबको मिल के हम लोग इकट्ठा होकर के मरीज को लाभ देने का काम करते हैं। लगता है कि आप लोग स्वास्थ्य के लिए जाते हैं तो क्या क्या कठिनाइयाँ सामना पड़ता है, किस तरह संघर्ष में आप लोगों का जीवन रहता है? देखिए ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी हैं हम लोग, रात में है ना किसी भी ग्रामीण को सेवा करते हैं, है ना, उसमें कभी रात में अकेले जाना पड़ता है, उसमें से कोई कोई आदमी पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है ना, कोई कोई हम लोग को पॉजिटिव माइंड में उसका सेवा करना पड़ता है, किसी नेगेटिव माइंड में जाना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम लोग को समस्या है ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी, उसको हम लोग साजते हैं, जो हम लोग को एक नाम दे, नीक नाम दे, है प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी दे, ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी दे, इसी समस्या पर हम लोग हल करना चाहते हैं। कि आप लोग आज यहाँ पे नंदन पहाड़ पे एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से संचालित है, क्या इस विषय पे आज कहना चाहेंगे? आज हम लोग स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और ग्रामीण, खासकर ग्रामीण चिकित्सकों की जो समस्या है उसके बारे में हम लोग विशेष इस मीटिंग का आयोजन किए हैं। दूर दूर से आए हुए हैं, देवीपुर से, पालाजोरी से, मोहनपुर से, सारमा से और दूर दूर से ग्रामीण चिकित्सक यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी ने अपनी समस्याओं को रखा है और आगे हम लोग इस संबंध में जो है आगे बात करेंगे। हाँ सर, बताया जाए कि आज कार्यक्रम को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज का कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं ये ग्रामीण स्वास्थ्य की ओर जो है हम लोगों का नज़रिया है कि हर ग्रामीण को विशेष सुविधा मिले। हम लोग मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, हम लोगों को सम्मान इज्जत नहीं मिलता है, बहुत तरह का टॉर्चर भी होते हैं, झोला छाप दुनियादारी कह करके लोगों को जो है संबोधित किया जाता है, और मान लीजिए MBBS लोग जो काम करते हैं उससे अधिक हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट मिल नहीं पाता है। हम लोग यह आंदोलन जो है झारखंड स्तर पर चाहते हैं कि हमारे मंत्रालय तक पहुँचे और इस पर कुछ जो है निराकरण किया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस सर आपकी होती है? मेरा सारवा में है, दोंदिया पंचायत में घसको। जी, कहा जाए कि आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में
कई प्रखंड से डॉक्टर आए हुए हैं और कई संगठन से आप जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूं कि हमेशा मानवाधिकार हो या कोई भी हो या दुर्गा पूजा हो या छठ पूजा समिति हो या गरीबों के बीच कंबल बांटना हो, मैं देखता हूं कि हमेशा आप एक्टिव रहते हैं। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका अध्यक्षता आपके रूप आप कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, तो आपने देवघर जिला में किस तरह का यहाँ पे अपने डॉक्टरों को लेके आप चलेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनूप कुमार है, स्वास्थ्य विभाग देवघर जिला कांग्रेस कमेटी के हम अध्यक्ष हैं। मेरा बचपन से स्वभाव रहा है और हॉबी भी कह सकते हैं कि लोगों का सेवा करना, और जब हमारे पिताजी ने देखे कि हम हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो हमको बोले कि आप डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर बनने से दूसरा का सेवा करने का मौका मिलेगा, और इसी उद्देश्य से हम डॉक्टर भी बने। जब ठंडा लगता है तो हम सोचते हैं कि हम तो रजाई में सोते हैं, लेकिन वैसे बहुत लोग हैं जिनको चादर कंबल भी नसीब नहीं होता है, तब हमसे रहा नहीं जाता है और हम ठंड में निकल करके गरीब गुरुआ रिक्शा वाला ठेला वाला को हम कंबल बांट करके अब बहुत सुकून महसूस करते हैं। हमको लगता है कि नहीं हम किसी का काम आए। इस बार भी मैं देख रहा था सर कि ठंडे के दिन में आप कंबल वितरण किए हैं, मैं देखता हूँ खुद से भी, मैं देखा हूँ आपके क्लिनिक में एक दो बार कि कई लोग आते हैं दवाई लेने के लिए पुर्जा लेके आते हैं रात, उनके पास पैसा की अभाव रहती है लेकिन आप दवाई उसको उपलब्ध करवाते हैं और आपको धन्यवाद दे करके वो जाते हैं, कैसा लगता है उस समय आपको? मैंने हमारा 20 साल का प्रैक्टिस है और हम पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पैसा के लिए उसका इलाज नहीं रुकता है, और कभी भी हम पैसा के लिए इलाज नहीं करते हैं, हम सेवा भावना से इलाज करते हैं। लेकिन ये विडम्बना है कि जो भी है हल्का फुल्का सेवा उन लोग देते हैं तो हमको लेना पड़ता है, लेकिन 20 वर्ष में एक भी व्यक्ति देवघर जिला में ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं था तो डॉक्टर अनूप कुमार ने दवा नहीं दिया, हमारा इलाज नहीं किया। कई संगठन से आप जुड़े हुए हैं सर, मैं देखता हूँ कि अपने क्लिनिक के अलावा गांव ग्राम में जा करके दलित पिछड़े शोषित के लिए आप कार्य करते हैं, कैसा लगता है उस समय करके वो लोग जब अपने आप को आपके बीच देखते हैं? मैंने कोई भी व्यक्ति जब कोई भी काम में मजबूर हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, असहाय हो जाता है और उसको लगता है कि हमको किसी का मदद का ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर जा कर के उसके पीठ पीछे खड़ा हो जाते हैं और उसको भरपूर सहयोग दे करके हम अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। और आने वाला दिन में भी हम लोग, अभी कोरोना वायरस का जो आक्रमण हुआ था हमारे देवघर में भी हुआ था, तो हम हर गली गली मोहल्ला मोहल्ला वार्ड से लेकर गाँव पंचायत तक हमने मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम किया है, और ये कार्यक्रम हमारा अंतिम जीवन तक चलता रहेगा। हमको लोगों का सेवा करने में सुकून और शांति मिलता है। अभी झारखंड सरकार में बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप जैसे अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से आप हैं, तो आने वाला समय में कोरोना वैक्सीन कितने जल्द यहाँ देवघर जिले में आम लोगों को मिल सकता है या डॉक्टरों को मिल सकता है? कोरोना वैक्सीन हम लोग का आ चुका है और इसका प्रशिक्षण भी हो रहा है, और जो लोग वैक्सीन देंगे उन लोग का स्वास्थ्य कर्मी लोग का प्रशिक्षण किया जा रहा है, और बहुत 2-3 दिन के अंदर में हम लोग प्रयास करेंगे कि उसे स्टार्ट कर दें। पहले तो जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा, उसके बाद पुलिस कर्मी लोग को दिया जाएगा, उसके बाद जो कोरोना वायरस है उन लोग को देते देते फिर सब आम जनता को दिया जाएगा, एक भी व्यक्ति वैक्सीन से वंचित नहीं किया जाएगा।